आई विल डिस्कस अबाउट सम फैक्ट्स दैट यू ऑल नो कि SSC ने वैकेंसी निकाली है 265 पोस्ट पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की. इस वैकेंसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट कि आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. तो सबसे पहले आपके पास में कोई भी स्ट्रीम में BA, BSc कुछ भी हो, साथ में आपका MA होना चाहिए. MA में आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक हिंदी या इंग्लिश आपका बेसिक है, ये होना ही चाहिए, दिस इज़ मस्ट. एंड उसके साथ में आपका जो डिप्लोमा कोर्स है, इस डिप्लोमा कोर्स के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए, जो डिप्लोमा का सर्टिफाई करता है डिप्लोमा को. और इन इस डिप्लोमा कोर्स के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो, और 4 सब्जेक्ट्स के साथ में एक होता है आपका प्रैक्टिकल. उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या करना होता है कि एक फाइल प्रिपेयर करनी होती है. उस फाइल के अंदर आपको नॉर्मल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने होते हैं, या तो आपको पैराग्राफ जो होता है पैराग्राफ राइटिंग कोई भी दे देंगे उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, वर्ड्स को अरेंज करना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, प्लस कुछ वर्ड्स होते हैं ऑफिशियल वर्ड्स जो आपको जो बोला जाता है अकाउंटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं जो ऑफिस में यूज होते हैं, उनके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. अब मैं बात करती हूँ कि मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का. तो जब मैंने ये कोर्स किया था उस टाइम पे कोई भी वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, किसी तरह की कोई हेल्प अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको कोई भी इस तरह की हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो वो इजीली उनको मिल सके. एंड मेरे इस वीडियो चैनल के थ्रू आपको वो हेल्प इजीली प्रोवाइड हो सके. और साथ में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक एंड शेयर तो बनता है अगर आपको पसंद आता है. चलो तो डिस्कस करते हैं हम 4 सब्जेक्ट्स के बारे में. इस ट्रांसलेशन का जो कोर्स है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट में 7 बुक्स हैं, एटलीस्ट 7. तो चारों सब्जेक्ट के हिसाब से 7 ऑलमोस्ट 28 बुक्स को आपको स्टडी करना है. तो मेरा आप इस वीडियो के थ्रू आपको ये हेल्प रहेगी कि जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर आपको दिखा देती हूँ उस बुक का, अनुवाद का अर्थ है परंपरा और महत्व, ये PGDT 1 है. इसके अंदर मेरी हेल्प आपको ये रहेगी, ये जो दे रखा है ये आपका है सब्जेक्ट का नाम, दिस इज योर सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि ये जो है ये सब्जेक्ट का नाम है, इसकी आप बुक 1 स्टडी कर रहे हो. अनुवाद का अर्थ परंपरा और महत्व ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में. जैसे ये आपको दे रखा है पूरा अनुवाद का अर्थ परंपरा और महत्व, अनुवाद का अर्थ परिभाषा और स्वरूप, अनुवाद की परंपरा, अनुवाद का महत्व. अब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. जैसे तो मेरी आपको ये हेल्प रहेगी कि जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे जो इसके एग्ज़ाम्स होंगे थ्योरेटिकल उनमें आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, साथ ही आप किस तरह से इन 4 चैप्टर्स को जो एक बुक कंडक्ट करती है कैसे उनको पढ़ोगे. और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको कि मैंने ये आपको हेल्प देना इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि जो मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर इन्हीं बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो अराउंड 10-15 मार्क्स इन्हीं बुक्स से कवर करते हैं, तो इसलिए हमें इन बुक्स से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि Part 1 Book 1 अनुवाद का अर्थ परिभाषा और स्वरूप, अनुवाद की उत्पत्ति तात्पर्य महत्व. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि अनुवाद का मीनिंग क्या होता है. अनुवाद का मतलब होता है रिपीटेशन तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अनुवाद हम इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश जब हम किसी चीज को ट्रांसफर कर देते हैं एक तरह से तो उस चीज को ट्रांसलेशन बोला जाता है. रिपीटेशन जो वर्ड है ये बहुत सारे जो हमारे पुराने जो बुक्स वगैरह हैं उनके अंदर अनुवाद का अर्थ मिला है. क्यों मिला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे.
पीछे अनुवाद अनु अनुवाद जो शब्द है वो अनु और वाद से बनके मिला है, जिसका मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पीछे या अनुगमन करना, और वाद का मतलब होता है कहना या बोलना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के लिए किया है। भर्तृहरि दोहराने या पुनर्कथन करने के लिए भर्तृहरि ने अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है। हमारे यहाँ गुरु के कथनों को शिष्यों के द्वारा दोहराए जाने के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ शिक्षा मौखिक परंपराओं में ही दी जाती थी। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन साथ ही इस अनुवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, जो कि है लैटिन। ट्रांसलेशन, अब जो ट्रांसलेशन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रांस साथ में लेशन। ट्रांस का मतलब होता है पार ले जाना। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। ट्रांसलेशन का अर्थ है एक बार कही गई बात को पुनर्कथन या दोहराना। यहाँ अर्थ के दोहराई जाने की ओर संकेत किया जा रहा है, मतलब किसी चीज के आप मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके लिए आप ट्रांसलेट वर्ड को यूज कर रहे हो। अनुवाद का अर्थ, एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। अनुवाद का काम ही ये होता है कि आप एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त कर रहे हो। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में अनुवाद कर रहे हो उसको आप स्रोत भाषा कहोगे, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा। जो बेसिक है, स्रोत है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपको, वो है स्रोत भाषा, और जिसमें आपको अनुवाद करना है वो है लक्ष्य भाषा। बहुत जटिल कार्य है। प्रत्येक भाषा की संरचना अपने में विशिष्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कह सकते हैं इंग्लिश में, गेस्ट केम टू अस टूडे, हमारे यहाँ मेहमान आए या हमारे घर आज मेहमान आए, उसके लिए हम सीधा सा कह सकते हैं गेस्ट केम टू अस टूडे। लेकिन उसी बात को अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो हम कितने तरीके से बोल सकते हैं विद एक्सप्रेशंस। आज हमारे यहाँ मेहमान आए, आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए, आज हमारे यहाँ मेहमान आ धमके, आज हमारे यहाँ मेहमान आ मरे। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी कन्वे थ्रू दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम जो हमारा माध्यम, मतलब हम जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स है रिगार्डिंग अवर गेस्ट, हमारे मेहमानों के प्रति जो हमारी आंतरिक इच्छा है या प्रतिक्रिया है, हमने वो जाहिर की। अनुवाद का द्विभाषिक होना एक अनिवार्य शर्त होती है। अनुवाद से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। अनुवादक जो है, ऑब्वियस सी बात है, उसको दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज होना जरूरी है। अनुवाद की परिभाषाएं, अब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए रिगार्डिंग अनुवाद, तो हम डिस्कस करेंगे नाइडा। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइडा को, अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्य पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। मतलब अनुवाद का तात्पर्य, हम जो स्रोत भाषा है उसमें जो व्यक्त संदेश है उसको लक्ष्य भाषा के निकट ले जाएं और उसके मीनिंग को समझें। ट्रांसलेटिंग कंसिस्ट इन producing in the receptor language the closest natural equivalent to the message of the source language, first in the meaning and secondary in the style. Catford, अब जो दूसरे विचारक है उन्होंने इसको क्या बताया है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरे भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। मतलब एक भाषा की पाठ्य सामग्री, एक चीज में आपको वो, आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई टेक्स्ट, कुछ पीस ऑफ, आपने किसी के पीस ऑफ वर्क को पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में, अब उसी चीज को आप लिख रहे हो और कोई दूसरी लैंग्वेज में आप उसको पढ़ने योग्य बना रहे हो। अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन वन लैंग्वेज बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटेरियल इन अनदर लैंग्वेज। मतलब एक टेक्सचुअल मटेरियल को, एक टेक्सचुअल जो मटेरियल है उसको आप दूसरे टेक्सचुअल मटेरियल में ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज लैंग्वेज। न्यू मार्क, अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के
स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब न्यू मार्क के अंदर जो लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट है, सीधी सी बात है, इन वन वर्ड यू कैन से लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट है, वो शोर है न्यू मार्क के वर्ड्स में। हॉलैंड अनुवाद को प्रकृति या उसके परिणामों के स्वरूप में ना देखकर उसे दो भाषाई पाठों के बीच के संबंध के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये पाठ एक जैसी स्थितियों में एक जैसा प्रकार ही करते हैं। मतलब आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में बोल दो, गेस्ट केम टू अस, इस एग्जांपल को छोड़ के अगर हम कोई भी, सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल इज इन द पार्क, मतलब लड़की बगीचे में है, है ना। तो अब इसको हम चाहे हिंदी में लिख दें, इसको अगर हम हिंदी में लिख दें, चाहे हम इसको इंग्लिश में लिख दें, सेंटेंस जो है चाहे वो हिंदी में लिखा हुआ हो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसका मीनिंग जो कन्वे हो रहा है, द मीनिंग शुड बी सेम, जो आपको मैसेज कन्वे हो रहा है शुड बी सेम, उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें अनुवाद का विस्तार और है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट इसके वीडियोज बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।